से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। Why are you staring at me like this? मैं तो बस सामान से मिलने आई हूं। काकुल, तुम्हारी क्या कर रही है? इसे कहाँ आने दिया तुमने? जीजू, हम तो बस। तुम कौन होते हो पूछने वाले? अच्छा बताएं, निकलोगी क्या निकाले? मैं सम्मान से मिलने आई हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। तो देखो, हम निकाल रहे हैं तुम्हें बाहर, और अगर दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी की तो फिर हम क्या करेंगे हमें खुद को नहीं मालूम। चलो बाहर। जीजू छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। क्या शर्म नहीं आता है क्या तुमको? किसी बात का शर्म नहीं होता है? बार बार भगाते फिर आ जाते हो तुम। अरे फिर आ गए यहाँ पर? अभी घंटा भर पहले तो यहाँ से गई थी। गई थी, फिर आ गई बिना इन्विटेशन के। ये लात का भूत बात से नहीं मानता है नाना। नंबर एक की अड़िया लेगी। हम कहे थे बल आसानी से नहीं टलेगी। चलो। How dare you? मुझे जबरदस्ती करके बाहर निकालने की हिम्मत कैसे की तुमने? चिल्लाओ मत। क्या कर लोगे? हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या करो तुम यहाँ पर? क्यों आई हो? मना किया था ना तुम्हें, क्यों आती रहती हो यहाँ? तुम्हारा क्या काम है? मैं सम्मान से मिलना चाहती थी इसलिए यहाँ आई हूँ। क्यों मिलना चाहती हो तुम? क्या लगती है उसको? हैं? क्या सम्मान क्या लगता है तुम्हारा? मैं सम्मान से प्यार करती हूँ और सम्मान मुझसे। एंड यू कांट स्टॉप मी। इसको जानती हो? मालूम है कौन है ये? काकुल है इसका नाम। ये सम्मान की पत्नी है, शादी हुई है सम्मान से इसकी, और ये सम्मान के होने वाले बच्चे की माँ है। किस प्यार की बात कर रही हो तुम? कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ, तुम जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट, गेट लॉस्ट। मैं सम्मान से एक बार मिलना चाहती हूँ, प्लीज। नहीं मिलने दूंगा मैं तुम्हें सम्मान से, तुम उससे नहीं मिल सकती हो। गेट आउट ऑफ हियर। एक बार सिर्फ प्लीज। अपने आप जाती हो या तुम यहाँ से धक्के मार के निकाला जाता। लकी भाई, तुम घर से बाहर रहते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, वरना घर पे तो ऐसी टेंशन चल रही है कि पूछो मत। मेरा भी मन कहां लग रहा था, इसलिए तो लंच के बहाने घर आ गया। लेकिन पापा बहुत परेशान हैं, इसलिए मेरा ऑफिस में रहना बहुत जरूरी है। वैसे तुमने अच्छा किया कि ऑफिस ज्वाइन कर लिया, इस तरह से पापा को तुमसे थोड़ी हेल्प तो मिल जाएगी। या I was so upset last night. सम्मान भैया के ऑपरेशन के बाद अब जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुए। और ऋषभ भैया, वो तो अब तक हॉस्पिटल में है, पता नहीं कितना थक गए होंगे भैया। सच में यार, समझ में नहीं आता कि हमारी फैमिली को हुआ क्या है। आए दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। You remember शरद, दादी ठीक कहती है, हमारे घर को जरूर किसी की नजर लग गई है। इसे क्या हुआ? आज कुछ बोल नहीं रही है? मैं सोच रही हूं। क्या? About life. कितनी अजीब बात है ना, सम्मान भैया काकुल भाभी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है। वो दादी हमेशा कहती है ना, दैट मैरिज इज अ मेड इन हेवन। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। इसका मतलब सम्मान भैया की जबरदस्ती शादी भी भगवान का ही एक प्लान था। बट सैड, भैया इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। वो सब मुझे नहीं पता, पर वंशिका किसी भी एंगल से भैया के लायक नहीं है। राइट,
बाबा, इस बार तो बच गए हम। कहीं शेखर को पता चल जाता ना कि सम्मान हमारा घर छोड़ के वंशिका के साथ रहने चला गया है ना, तो बैठे बिठाए आफत हो जाती। अच्छा क्या जो आपने बात संभाल ली। अरे तो और क्या करता, इन टीवी वालों ने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उस वंशिका को सामने लाकर ये भी कह दिया कि उन दोनों की शादी होने वाली है। शेखर के सामने किसी को तो बात संभालनी थी ना। न्यूज वालों को ना कोई काम है ही नहीं, कैमरा लेके किसी के भी पीछे पड़ जाते, जरा भी नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत की वजह से किसी का भी घर बसने से पहले उजड़ सकता है। अरे सिर्फ न्यूज वालों को क्यों दोष देती है, क्या खुद देविका को इसकी फिक्र है? जरा समझाओ अपनी बेटी को, कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल देती है। वहां शेखर के सामने बात को संभालने में लगे थे और वो तो पूरी कहानी सुनाने के मूड में। काकुल के लिए जो उसके दिल में नफरत है वो शेखर के सामने जाहिर करने की क्या जरूरत पड़ी थी उसे? कभी तो अकल से काम लिया करे, खुद अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली, फिर दूसरों को दोष देती फिरेगी। ओहो, देविका पर क्यों नाराज हो रहे हैं आप? अरे वो तो बच्ची है ना, समझ है अभी। बच्ची? 5 फुट 8 इंच की हो गई और अभी भी बच्ची है? उतना तुम देविका की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करती है, तुम्हारी इस शय पर बिगड़ गई है वो। So hot, शेखर। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो बाकी सभी करते हैं। क्या? एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश इस गर्मी और धूप में। प्यार किसी मौसम का मोहताज नहीं होता, क्या धूप क्या छांव, थोड़ा सा रूमानी होकर देखो तो ये सभी ठीक लगे। सॉरी प्लीज, आई कांट बी रोमांटिक इन दिस हीट। और वैसे भी कोई रूल है क्या कि रोमांस करने के लिए खुले आसमान के नीचे खड़े रहो गर्मी में? कहीं और चलें प्लीज। एक्चुअली हम लोग कहीं और ही जा रहे थे। कहाँ? वही जो अभी तुमने देखा, वो देखो है आसमान के नीचे पर धूप में नहीं है। लेकिन बीच में आपका गुस्सा आ गया ना। सॉरी। चले कुछ कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। देखो स्ट्रिक्ट होना और अपनी बातों पे अड़े रहना, इसमें कोई खराबी नहीं है, पर हर बार हर बात अपनी मर्जी से होती भी तो नहीं ना। कभी कभी कुछ गलत भी हो जाए तो सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, यही जिंदगी है ना। कुछ खट्टी कुछ मीठी, कभी कड़वी भी सभी को एंजॉय करना चाहिए है ना, सबका मजा लेना चाहिए। जो बुरा है उसे कैसे कोई एंजॉय कर सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं, जिंदगी में सभी फ्लेवर्स का आनंद उठाना चाहिए। कभी मिठास होती है खाने में तो कभी तीखा भी होता है खाना, है ना? जिंदगी के साथ भी यही होना चाहिए। हो सकता है जो बुरा नजर आ रहा है वो शायद तुम्हारे लिए अच्छा हो। हेलो कौशल्या जी, कैसी हैं आप? मैं बोल रही हूँ। मिसेस वर्मा नमस्ते, कैसी हैं आप? वो कल परेशानी में ठीक से बात नहीं हो सकी, इसीलिए आज फोन किया। वो आप क्यों नहीं आई देविका और उसकी मम्मी के साथ? वो मिसेस वर्मा, वो मेरी बेटी है ना नेहा, वो अपने केस में थोड़ी उलझी हुई थी, देर से आने वाली थी, इसलिए मैं घर पे ही रुक गई। अब और बाकी कल सब कैसे रहा? हाँ सब ठीक ठाक था, बातचीत चल रही थी तभी आपका फोन आया। सम्मान के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर हम सब परेशान हो गए और भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। दरअसल वो काकुल के घर वाले अमर भाई साहब के घर पे बहुत देर से फोन कर रहे थे, पर उन्हें तो पता ही नहीं था ना कि पूरी फैमिली आपके घर पे है। मिसेस वर्मा कल शाम को तो खबर सुन के भाई साहब और भाभी घबरा गए होंगे ना? हाँ वैसे भी ऐसे टाइम में मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। मैं तो सारे रास्ते उन्हें दिलासा देती रही, वैसे लोग तो मुझे भले लगते हैं। कौशल्या जी, मन में फिर भी कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही। मिसेस वर्मा, आपके दिल में कोई सवाल उठा था तो आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ
हाँ, मगर जब तक घर पर थे सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर हॉस्पिटल पहुंचकर मामला कुछ उलट सा गया। वहां जाकर ऐसे लगा जैसे काकुल और सम्मान की शादी में कुछ गड़बड़ है। आप तो उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं, क्या काकुल को वो लोग पसंद नहीं करते? जी वो हाँ, वैसे कैसे पसंद करेंगे, लव मैरिज जो है, और फिर इन्हें शायद कानों कान खबर भी ना हो, है ना? आपको तो पता है माँ बाप बच्चों के लिए कुछ और सोचते हैं और बच्चे कुछ और ही कर देते हैं। ये सच है कि काकुल जब इस घर में आई तो उसे थोड़ी सी नाराजगी सहनी पड़ी थी। आप तो उनके लिए घर जैसी हैं, आप समझाइए ना उन्हें। अरे अब वो जमाना थोड़े ना रहा है कि जब बच्चे अपने माँ बाप से पूछ कर हर काम करें। जिन लोगों ने साथ निभाना है उनकी पसंद जरूरी है, ना कि हमारी। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि इतने पढ़े लिखे लोग होकर भी ऐसे दकियानूसी ख्याल रखते हैं। फुलक बिल्कुल पुराने ख्याल के नहीं है। हाँ ये बात सच है कि काकुल की वजह से घर में कुछ टेंशन हुई थी, लेकिन अब आपने मुझसे कहा है ना, तो मैं जरूर उत्तरा भाभी को समझाने की कोशिश करूंगी। जी नमस्ते। दिस इज टोटली रॉन्ग माँ, इतने सारे झूठ। जिस शादी की शुरुआत ही झूठ के आधार पर होगी वो शादी कितने दिन टिकेगी? आई फील हमें शेखर की फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। आप सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देती? ना, जो भी बताना है वो भाई साहब और भाभी बताएंगे। मैंने सोच लिया है मैं इस बात के बीच में नहीं पढ़ने वाली। बीच में तो आप पढ़ चुकी हैं मम्मा। देविका दी के लिए ये प्रपोजल आप ही लेकर गई थी। अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो दोनों तरफ से ब्लेम आपको ही किया जाएगा। नेहा तो जब भी बात करती है प्रॉब्लम के बारे में क्यों बात करती है? ये भी तो हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो और सब कुछ ठीक हो जाए। आई सीरियसली विश दैट माँ, फिर भी आपको वॉर्न करना मेरा काम है। जरा सोचिए माँ, जब उन लोगों को हमारा काकुल दीदी से प्यार से बात करना पसंद नहीं, तो अगर कल को देविका दी के साथ कुछ बुरा हुआ तो कितना शोर मचाएंगे उत्तरा आंटी, ये भी सोचा है आपने? Well, you are lucky, Cynthia. आपको ऐसा हस्बैंड मिला है जो अपनी ड्यूटीज को और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना सिर्फ अच्छी तरह से समझता है बल्कि जिसे कोई भी ताकत उसके इरादों से हिला नहीं सकती। ऋषभ, ये मत समझिएगा कि ये मामला यही खत्म हो गया। मिस्टर ओझा को मैं बरसों से जानता हूं, चेयरमैनशिप को पाने के लिए वो हर तरह की कोशिशें करते रहते हैं। मिस्टर आहूजा खामोश रहने वालों में से नहीं है, इसलिए यू विल हैव टू बी केयरफुल। तुम्हें जॉब से निकालने की बात तो मैंने अनसुनी कर दी, लेकिन तुम्हारे भाई को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का मसला अब भी पेंडिंग है, और ये सक्सेना मिस्टर आहूजा पर प्रेशर जरूर डालेगा। एंड आहूजा कैन डू एनीथिंग। मैं उन्हें सम्मान को कहीं भी नहीं ले जाने दूंगा। आई नो दैट, फिर भी एनीवेज यू हैव टू बी केयरफुल। मैं चलता हूं। बाय। थैंक यू ऋषभ। लेकिन हम करेंगे क्या अगर फिर से मिस्टर आहूजा और मिस्टर सक्सेना ने सम्मान को यहाँ से शिफ्ट करवाने की बात की? अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है सिंथिया। तुम जाओ, काकुल और सम्मान के साथ रहो। अभी वंशिका आई थी, दोबारा आ जाएगी, हो सकता है इस बार अपने बाप को लेके आए। गो, वी हैव टू बी केयरफुल। जाओ। ओह, तो आपकी ड्यूटी लगी है। वेयर इज योर बेटर हाफ? बेटर हाफ तो यहाँ कहाँ, पटना में। नहीं नहीं, मैं आपकी वाइफ आई मीन त्रिशा जी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो नाना के बारे में पूछ रही हूँ। आप दोनों हमेशा साथ ही नजर आते हैं ना? हाँ, वो तो अंदर है सम्मान बाबू के पास। तो फिर काकुल कहाँ है? काकुल तो मंदिर में है हॉस्पिटल के, और कहाँ जाएगी? अच्छा, अभी डॉक्टर कार्निक से बात हो रही थी, कह रहे थे कि हमें बहुत ख्याल रखना होगा,
पंचकार सक्सेना सम्मान को यहाँ से ले जाने की जरूर कोशिश करेंगे। अरे ऐसा कैसे ले जाएंगे, उनके बाप का राज है क्या? बाप जाते हैं, ऐसे कैसे ले जाएंगे? जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा होने देंगे नहीं। हमारे रहते सम्मान बाबू को कोई टच नहीं कर सकता, ये वादा करते हैं आपसे। अब आपसे क्या कहे भगवान, आप तो हमारी मनोकामना जानते हैं। सम्मान को एक नई जिंदगी तो आपने दी थी, बस अब जल्दी से उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। घर में सब बहुत परेशान है सम्मान को इस हाल में देखकर। हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए, आप बस सम्मान को जल्दी से ठीक कर दीजिए। जानती हूँ मैंने झूठ बोलकर तुमसे दोस्ती की, लेकिन तुम्हें उस झूठ की वजह भी मालूम है। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? सजा? क्यों सम्मान पर अपना हक जता रही हो? सम्मान ने खुद तुमसे कहा था ना, क्यों तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है? सम्मान मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, जिसे तुम्हारी फैमिली ने मुझसे छीन कर तुम्हारी झोली में डाल दिया था। तुमने अपनी आंखों से देखा था ना कि सम्मान के लिए मैंने अपनी जान देने की कोशिश की थी। आई नो इस पूरे मामले में तुम इनोसेंट थी, तुम्हें नहीं पता था हमारी शादी किस तरह करवाई गई। सम्मान ने मुझे पूरी बात बताई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नताशा बनी रही। ये सब बातें दोहराने की क्या जरूरत है बच्चे का? जरूरत है काबुल, जरूरत है, क्योंकि जब से तुमने मुझे जाना है सम्मान के घर में मेरे लिए नफरत ही देखी। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सम्मान के घर में हर कोई मुझे पसंद करता था। कल तक जो लोग मुझ पर चांद छिड़कते थे, आज मुझे देखते अपना मुंह फेर लेते। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ काकुल। पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अमरनाथ अंकल ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, ऋषभ भैया और तुम्हारा जीजा सुजीत दोनों ने मुझे सम्मान के रूम से बाहर निकाला। इतनी इंसल्ट, इतने ऑपोजिशन के बाद भी लौट आई, धक्के देकर बाहर निकालने के बाद भी मैं वापस आ गई। क्यों काकुल, क्यों? मैं सम्मान से प्यार करती हूं, सम्मान के अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आता, कोई नहीं। हम जानते हैं वंशिका, हम सब जानते हैं हमारे बस में जो भी था हमने वो किया। हम चले गए तुम दोनों की जिंदगी से, चले गए। अब और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, इनफैक्ट सब कुछ। एक तरफा ही सही, तुमने भी तो प्यार किया है ना। अगर तुम मेरा दर्द नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? प्लीज काकुल, प्लीज, आई बेग ऑफ यू, आई बेग ऑफ यू काकुल, प्लीज मुझे मेरा सम्मान लौटा दो, प्लीज काकुल, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। काकुल प्लीज मुझे मेरा सम्मान लौटा दो, मैं मर जाऊंगी सम्मान के बिना।
ऐसा लगता है सब कुछ हमारी समझ के परे हो गया है। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये रसीद कर देंगे ना ससुरी के तो अस्पताल का रास्ता भूल जाएंगे। जी जी प्लीज प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? क्योंकि काकुल खुद वंशिका को अंदर लेकर गई है और काकुल ने वंशिका से प्रॉमिस किया है कि उसे यहाँ से बाहर कोई नहीं निकालेगा। ये देखिए।